नमस्कार दोस्तों, पासी समाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा के बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको कब अपनाया गया, इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, इसका जो रंग होता है वो किस चीज को प्रदर्शित करता है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको किस हाथ में पकड़कर फहराया जाना चाहिए, जो हमारा अशोक चक्र है उसका मतलब क्या है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको कब फहराया जाना चाहिए, और देश की वो कौन सी बेटी है जिसने पहली बार भारत के ध्वज को विदेश में जाकर फहराया था और भारत देश का नाम रोशन किया था। इन सारे सवालों के जवाब हम वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप पासी समाज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उसको जरूर दबा दीजिएगा। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है तो हमें अपने तिरंगे झंडे के बारे में भी जानना चाहिए। दोस्तों, अगर भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा झंडा। दोस्तों, आपके मन में कभी ना कभी यह सवाल जरूर आता होगा कि भारत का जो तिरंगा झंडा है इसको कब अपनाया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारत का तिरंगा झंडा है इसको 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज की उपाधि दी गई थी, यानी इसे राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई होती है वो किस रेशियो में होती है। अगर हम भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा की बात करें तो इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:2 के अनुपात में होता है। यदि इसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होगी तो इसकी जो चौड़ाई होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी। इस अनुपात में इसको लिया जाता है। अब इसके रंगों की बात करें तो भारत के तिरंगे झंडे में 4 रंग हैं। सबसे पहला केसरिया रंग, जो कि हमें त्याग और बलिदान के बारे में बताता है, जो कि हिंदू धर्म का प्रतीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का दूसरा रंग यानी सफ़ेद रंग, जो कि शांति का प्रतीक है और ये ईसाई धर्म को रिप्रेजेंट करता है। हमारा भारतीय झंडे का तीसरा रंग हरा रंग, जो कि हरियाली को प्रतीक करता है और ये रंग इस्लाम धर्म को रिप्रेजेंट करता है। इस्लाम में जो पवित्र रंग माना जाता है वो हरा रंग माना जाता है। इसके बाद हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के चौथे रंग की बात करें तो इसका जो चौथा रंग है वो है नीला रंग, वो सिख धर्म को प्रदर्शित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं भाई भाई। दोस्तों, इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज में लगे अगर चक्र की बात करें तो इसमें 24 तीलियां होती हैं और ये तीलियां 24 घंटे देश की प्रगति के लिए विचार करने को प्रेरित करती हैं। यानी हम 24 घंटे अपने देश के उन्नति के बारे में सोचें, अपने देश के विकास के बारे में सोचें। तो अब जानते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। जो हमारा तिरंगा झंडा होता है इसको हमेशा दाहिने हाथ में पकड़ा जाता है। तिरंगे झंडे की लंबाई चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी है तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम बाएं कंधे का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके लिए हम अपने दाएं कंधे का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, यदि भारत में कभी राष्ट्रीय शोक की स्थिति पैदा होती है तो जो हमारा तिरंगा झंडा है उसको थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है। इसके बाद अगर देश में कभी संकट की स्थिति आती है तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको उल्टा फहराया जाता है, यानी जो हरा रंग होता है उसको ऊपर किया जाता है और जो केसरिया रंग होता है उसको नीचे रखा जाता है। तो इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, हमारा जो तिरंगा झंडा होता है इसको खादी में बनाने पर मान्यता प्राप्त है। कर्नाटक के हुबली में मात्र एक जो फैक्ट्री है जिसको भारत के राष्ट्रीय ध्वज को बनाने की मान्यता प्राप्त है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि देश में सिर्फ एक फैक्ट्री है जिसको राष्ट्रीय ध्वज बनाने की मान्यता प्राप्त है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको सूर्योदय के बाद ही फहराया जाता है, यानी सूरज निकलने के बाद ही हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसको फहराया जाता है और सूर्यास्त होने से पहले उसको उतार के रख लिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है विदेश में कब फहराया गया था पहली बार। तो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है पहली बार विदेश में 1907 ईस्वी में फहराया था। और इसको किसने फहराया था? इसको फहराया था मैडम भीखाजी कामा ने। हमारा जो भारत का पहला तिरंगा झंडा विदेश में जर्मनी के स्टुअर्ट शहर में फहराया गया था। हमारे गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमने जाना हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके मुझको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको अपने तिरंगे झंडे के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जानकर कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम सभी भारतीय हैं और हम सभी को मिलकर अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।